तो हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो कोलकाता नाइट राइडर्स के बड़े बड़े फैंस? आप ही होंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखते रहे क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कह सकते हैं। ओवरऑल ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो में वो आप लोगों को तो भाई वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो गाइस बोलेंगे बैक टू आवर अदर न्यू स्पेशल वीडियो के साथ, आप लोग और एक स्पेशल वीडियो में हमारे चैनल के स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग बताने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स के मिनी ऑक्शन 2023 का स्ट्रेटेजी क्या कुछ होने वाला है। चार ऐसे टिप्स आप लोग बताने वाले हैं, चार ऐसे यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजीज बताने वाले हैं जिसके दौरान यहाँ पर जो मिनी ऑक्शन के स्ट्रेटेजी को लेकर उतरना पड़ेगा। यही चार स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो हमने फिक्स किया है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स को भी यही भाई फिक्स के तौर में ले लेना चाहिए और भाई यही स्ट्रेटेजी लेके उतरेंगे तो भाई कहीं ना कहीं विनिंग 2023 का यहाँ पर और भाई यहाँ पर जो स्क्वाड बढ़िया तरीके से मेकिंग कर भी पाएंगे। तो बस वीडियो तो आप लोगों के लिए जरूर इंपॉर्टेंट रोल है। वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल के लिए अपडेट्स कोलकाता नाइट कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिए। तो भाई अभी बोलते हैं आप लोग यहाँ पर मिनी ऑक्शन स्ट्रेटजी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर पहले से बोल देते हैं क्योंकि 2022 का परफॉर्मेंस कर रहा था वो भाई आप लोग तो जानते ही। यहाँ पर आप लोगों से नजरअंदाजी क्या करना और थोड़ा बहुत बोल देते हैं यहाँ पर मिनी ऑक्शन 2023 का स्ट्रेटजी जो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं और भाई बोलने के लिए आए इस वीडियो को स्पेशली जो है यहाँ पर पहले बोल देते हैं चार जो स्ट्रेटजीज यहाँ पर हमने बनाया। पहला यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि भाई लोअर प्राइस में गुड प्लेयर्स खरीदना, मतलब यहाँ पर सस्ते दाम में बिकाऊ भाव करके एक बढ़िया प्लेयर को खरीद लेंगे तो आप लोगों की टीम के लिए बहुत ही यहाँ पर जो सस्ता हो जाएगा और भाई पैसा बचेगा। बाद में आप लोगों को बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदने के मौके मिलेंगे क्योंकि भाई हमने देखा था भाई 2022 में पर्स उतना नहीं बचा था। निकोलस पुरन के पीछे यहाँ पर बीड भी कर लिया था पर यहाँ पर उतना पर्स था नहीं क्योंकि भाई शेयर शेयर को खरीद लेता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अच्छे अच्छे प्लेयर्स को सस्ते दाम में खरीद लिए, अगर वो भाई बड़े दाम में चले जाते तो भाई स्किप कर दीजिए, प्लेयर को स्किप कर दीजिए और भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो भाई इसलिए बहुत सारे ऑप्शन लेके भी उतरना पड़ेगा और भाई कम दाम में सस्ते में प्लेयर्स जितना आप खरीदना चाहेंगे मतलब आप लोग को मिलता है उतना ही ले लीजिए, भर लीजिए अपने स्क्वाड में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो स्ट्रेटजी टारगेट फॉरेन ओपनर्स, आप लोग पहले से पता है कि भाई यहाँ पर विदेशी ओपनर्स चाहिए और यहाँ पर स्ट्रेटजी भी यही रहेगा कि भाई विदेशी ओपनर्स ले लीजिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे टारगेट ओपनर्स करिए, उनमें से किसी को आप लोग ले लीजिए। अब ऑलराउंडर्स में से भी ओपनर्स है जैसे कि बेन स्टोक्स, सैम करन, यहाँ पर कैमरन ग्रीन भी ओपनर है तो भाई बहुत बड़े बड़े क्वालिटी के ओपनर भी इनमें से उठ के आएंगे तो भाई टारगेट फॉरेन ओपनर्स। तीसरे नंबर के स्ट्रेटजी की बात करें तो भाई टारगेट डेथ ओवर यहाँ पर स्पेशलिस्ट बोलर, मतलब डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट एक बोलर को टारगेट बनेगा, एक नहीं दो तीन यहाँ पर बोलर को टारगेट कर लीजिए। अब कितना मिलेगा वो तो भाई आप लोगों के हाथ में डिपेंड करता है, दूसरे टीम को अटेम्प्ट के हाथ में डिपेंड करता है। अभी भाई ये भैया डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बोलर की तरफ टारगेट कर लीजिए, भैया बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बोलर की तरफ टारगेट करेंगे तो भाई मिल जाएगा तो भाई डेथ ओवर का यहाँ जो समस्या है वो भाई सॉल्व हो जाएगा। चार भाई लास्ट जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया है यहाँ पर टारगेट है बेटर विकेट कीपर फॉर टीम। हाँ भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया तरीके का एक विकेट कीपर चाहिए आप लोगों टीम के लिए तो भैया बहुत सारे विकेट कीपर के ऑप्शन आप लोगों ने जहन में चला रखे उन्हीं में से यहाँ पर अप्लाई कीजिए, उन्हीं में से किसी एक को दो को ले सकते हैं। यहाँ पर एक घरेलू, मुझे यहाँ पर जो मैं ओपिनियन देना चाहूंगा कि भाई एक घरेलू विकेट कीपर ले सकते हैं, मतलब एक देसी और एक विदेशी का ऑप्शन में रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर उठ के आ रहे हैं वो आप लोगों जो आगे वाले वीडियो में जरूर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। तो गाइस ऑलरेडी आप लोग वीडियो थोड़े बजे आ चुके हैं क्योंकि भाई यही तक वीडियो था, यही जो स्ट्रेटजीज थे। आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन कौन स्ट्रेटजी बेहतर है और भाई आप लोगों को और कुछ भी लगता है कि भाई स्ट्रेटजी कौन कौन सा चाहिए तो भाई जरूर से कमेंट कर दीजिए। तो गाइस वीडियो आपको थोड़ी देर अच्छा लगा फटाक से लगे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिए। तो भाई आज के लिए इतना, मिलता है और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक।